ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2021 के अंदर मिलिंग के टूर पर। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोई 2D कर्व है तो उसके ऊपर ऊपर मैं टूल पाथ कैसे चला सकता हूँ। ठीक है, तो उसके जैसे ही एक और टूल पाथ भी है हमारे पास, 2D कर्व प्रोफाइल जैसा, 2D कर्व एरिया क्लियरेंस। ठीक है, तो पहले 2D कर्व एरिया प्रोफाइल जरूर कर लेना है, इससे पहले वाला ट्यूटोरियल देख लेना है, उसके बाद ये देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगी सारी चीजें। तो ये है 2D कर्व एरिया क्लियरेंस। तो इसमें हमारे को क्या करना है, इसको हाइड कर दे सकते हैं, यहाँ से बल्ब को बंद कर देंगे ना तो ये हाइड हो जाएगा। तो हमने एक एरिया बताना है उसको। अब एरिया कौन सा बताना है, वो कैसे पता लगेगा, वो हमारे को पैटर्न बताना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास पैटर्न है नहीं, तो मैं एक नया पैटर्न क्रिएट करता हूँ। वो कह रहा है, डू यू रियली वांट टू चेंज द कर्व? हमने कहा जी हाँ जी, चेंज करना चाहते हैं। कर्व एडिटर में जाएंगे और कॉम्पोजिट कर्व लेके किसी भी एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे और कितने का स्टेप ओवर चाहिए वो बताएंगे, किस लिमिट तक जाना है वो बताएंगे, जैसे पहले वाले में थी, और कितने कितने का कट हर बार नीचे लगे वो बताएंगे। पर जो हमने दो पैटर्न दिए उसमें हमारे को, जैसे हमने 2D कर्व में बताया था अभी किस साइड चलना है वो बताना पड़ेगा। अभी ये बाहर वाली साइड चल, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं कि हमें ये अंदर वाले पोर्शन में चलना है। ठीक है, ओके करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे को कटिंग करके दिखाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अभी ये राष्ट्र की शेप में चला है। ठीक है, तो ये हमारी इसके बीच में कटिंग है। अब इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं हम। इसमें ये अभी राष्ट्र शेप हो रखी है। ठीक है, राष्ट्र का मतलब होता है ऐसे सीधा सीधा चलना, जैसे ये लाइन स्ट्रेट स्ट्रेट नजर आ रही है। राष्ट्र की जगह अगर मैं इसको ऑफसेट कर दूं, तो जैसी ये शेप है, जैसी ये हमारी शेप है, इसके हिसाब से टूल चलने लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको राष्ट्र की जगह ऑफसेट कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ओके, अभी देखो लिफ्ट भी कम हो गई, पहले बहुत बार टूल ऊपर उठ रहा था, तो ऑफसेट होने से देखो एक ही बार हो गया वो, और हमारी लिफ्ट भी काफी कम हो गई। ठीक है, अगर हमारे को ये चेक करना है कि हमारे इस टूल पाथ में कितनी लिफ्ट है और कितना टाइम लग रहा है, कितनी टाइम टूल हवा में चल रहा है, तो क्या करेंगे, किसी भी टूल पाथ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स आता है, तो स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे को पूरी डिटेल बताता है कि ये कितनी बार नंबर ऑफ लिफ्ट ऊपर हुआ, टोटल इसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है ना, मशीनिंग होने में लीनियर में कितना चलेगा, आर्क में कितने चलेगा, मतलब जब हमारे को कोटेशन वगैरह देनी होगी तो हमारे को पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट टाइम इसको कितना लगना है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम टूल यूज कर सकते हैं, उस हिसाब से हम मटेरियल यूज कर सकते हैं, उस हिसाब से हम पेमेंट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, एक ऑप्शन और होती है इसमें,
ये वाले बटन को जरूर दबाना है हर बार, ठीक है, इनेबल करने के लिए। अगर इस टूल पाथ की कॉपी चाहिए, जैसे ये दो नंबर है, हमारे को तीन नंबर टूल पाथ चाहिए सेम पैरामीटर्स के साथ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट न्यू कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे एक और बन गया टूल पाथ। अब मैं इसको ऑफसेट की जगह वर्टेक्स कर सकता हूँ। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमारे को दोनों टूल पाथ रह गए हमारे पास। अगर मैं चेंज कर देता तो पहले वाला खत्म होता, ये और वो। तो इससे बेनिफिट ये है कि हम दोनों को कंपैरिजन करके देख सकते हैं किसमें टाइम कम लग रहा है, किसमें लिफ्ट कम है, किसमें कौन सा टूल पाथ चलाना चाहिए, वो सारी चीज करने में हमारे को आसानी होगी। बस एक सिंगल बटन दबाना है और उसके बाद जो भी चेंजेस करेंगे वो अगले में हो, पहले वाला वैसे का वैसा रहे। इसको क्लोज करो। तो ये देखो अब इसमें जो है एंट्री जो है हेलिकल हो रही है, देखो मतलब सीधा प्लंज नहीं होगा, हेलिकल की तरह एंट्री होगी, ठीक है। तो इसके स्टैटिस्टिक्स देखते, तो देखो उसमें ज्यादा थे, इसमें 43 है, ठीक है। पर इसमें टाइम देखो कितना ज्यादा लग रहा है, उसमें 41 मिनट थे, इसमें 1 आवर 54 मिनट, ठीक है। तो जब बहुत हार्ड मटेरियल होता है ना, तब इस वर्टेक्स वाले को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें टूल देखो ऐसे घूम घूम के जाए, ठीक है ना। और जब हम ये वर्टेक्स वाला यूज करते हैं तो इसकी खासियत ये होती है कि हम इसके अंदर ना डेप्थ ज्यादा दे सकते हैं। मतलब जैसे हम 0.1 0.5 0.8 mm कट मारते हैं रफिंग में, तो इसमें मैं सीधा 22 की जगह 22 mm काटना है हमारे को, तो हम क्या करेंगे, हम 11 11 mm के दो कट लगा लें, ठीक है। पर इसके लिए जब भी हम ऐसा करेंगे कि हम डेप्थ ऑफ कट बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो हम स्टेप ओवर कम कर देंगे। तो इसको हम कर देंगे तकरीबन 0.5 के करीब, और जो हमारी फीड स्पीड होती है जब भी ऐसा करेंगे तो फीड स्पीड बढ़ा देनी है। जो हम 1500 पे काम कर रहे हैं स्पिंडल स्पीड, वो 1500 की जगह हम 8000 पे काम करें। ठीक है, तो स्पिंडल स्पीड भी बढ़ा देंगे, फीड रेट भी बढ़ा देंगे, ठीक है, इसको 3000 कर देंगे, ठीक है। प्लंज रेट चलो ठीक है, क्योंकि वो एंट्री के टाइम हमारे को कितना करना है। स्किम को भी ठीक है भाई, जब टूल हवा में होता है तो उस टाइम कितना है एंट्री, उसको ठीक है। पर स्पिंडल स्पीड बढ़ा देनी है, कटिंग स्पीड भी बढ़ा देनी है, और फिर कैलकुलेट करनी है। तो अब जो हमारे बहुत सारे कट लग रहे थे एक एक एमएम के, वो कम होके दो ही हो जाए, और हमारी लिफ्ट भी कम हो जाए, क्योंकि इसमें ना टूल बार बार हवा में नहीं जाता। कैलकुलेट हो रहा है, तो जितनी देर में कैलकुलेट होता है, जितने भी टूल पाथ हमारे हैं, जितने भी वीडियोस हैं, जब भी कैलकुलेट होता है उस टाइम क्या करते हैं, तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखते हैं, क्या अच्छा लगा वो लिखते हैं, तो सारा काम इसी ड्यूरेशन में हम कर सकते हैं। तो जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं सबके साथ वीडियो शेयर करनी है, कोई दिक्कत आए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या चीज नया सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब आए तो उसको
सॉल्व किया जा सके। तो ये हमारा जो है टूल पाथ क्रिएट हो गया, देखो। ठीक है, तो अब अगर हम इसको स्टेटिस्टिक्स देखें तो ये देखो, टाइम भी कम हो गया, लिफ्ट भी कम हो गया, ठीक है ना। जी तो मतलब काफी चीजें हम इसके हिसाब से ठीक कर सकते हैं कि अगर हमारे को कोई भी दिक्कत आएगी, जो भी हम टूल पाथ लेते हैं, जब हमने ये रास्टर वाला लिया या ऑफसेट वाला लिया, तो जो भी जी टूल पाथ हमारे को हम ले रहे हैं, मान लो ये 2 नंबर लिया है ना, इसमें ऑफसेट लिया, तो ये ऑफसेट की वैल्यूज कहाँ आ जाएंगी, ये देखिए। जब हम इसको रास्टर करते हैं तो रास्टर की वैल्यू कहाँ आ जाएंगी, यहाँ। अगर हम इसको वर्टेक्स करते हैं तो वर्टेक्स की वैल्यू कहाँ आ जाएंगी, यहाँ। टेंजेंट रेडियस कितना देना है, मिनिमम ये जो गोल बन रहा है वो रेडियस कितना होना चाहिए, इधर वाला रेडियस कितना होना चाहिए, वो सारी हमारे मॉडल के हिसाब से होना चाहिए, स्टॉक के हिसाब से होना चाहिए, वो सारी ऑप्शन आ जाएंगी। जी तो जैसे मैंने रास्टर में किया है ये, तो हम इसको एंगल भी दे सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल में चलो, 30 डिग्री चलो, ठीक है। तो वो सारा टूल पाथ जो है वो 30 डिग्री में कटिंग करने लग जाएगा। तो ये सारा कुछ 30 डिग्री में चला जाएगा, सारी लाइनें 30 डिग्री में चलने लग गई। तो मतलब जो भी चीज, चाहे रास्टर है, चाहे ऑफसेट है, चाहे वर्टेक्स है, तीनों को हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। कोई भी वीडियो देखने का या प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जितने भी इसके अंदर ऑप्शंस है, जैसे रास्टर है ना, तो उनकी वैल्यू चेंज कर करके देखनी है कि 0 डिग्री पे कैसा आता है, बंद करके कैसा आता है, चला के कैसा आता है, अलग अलग मॉडल्स के ऊपर चला चला के देखना है कि डिफरेंट मॉडल्स पर डिफरेंट तरीके से चलेगा ये, ठीक। जी एक तरीका और भी होता है कि जैसे हमारा ये टूल पाथ है, 2 नंबर बन गया है ना, इसको करो एडिट कॉपी टूल पाथ, तो ये देखो एक और बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो चाहे वहां से बना लो चाहे यहाँ से बना, तो अब हम इसकी सेटिंग्स में जाके सिर्फ एक काम करेंगे, और कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम करेंगे, हम इसका पैटर्न नया बना देंगे। बस पैटर्न में इसको बंद करो, फिर सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लो, फिर बंद करो, फिर थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लो, फिर जी फोर्थ वाले को सिलेक्ट कर लो। फिर यहां से अंदर वाली साइड कर दो, ये अंदर चाहिए, ये भी अंदर चाहिए, ये भी अंदर चाहिए, ओके। तो हम चारों में एक साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो सब में एक साथ बन गया। तो हम अब ये चारों टूल पाथ एक साथ बन गए, हमारे को अलग अलग नहीं बनाना जी पड़ता। ये देखो एक ही ऑन है, इसकी सेटिंग्स में जी जाएंगे, ये जो टूल ऊपर उठा उठ रहा है ना, इसको बोलते हैं लिंक्स। जब भी टूल मेरा हवा में जाएगा, ये लिंक्स है भाई, एक कनेक्शन को दूसरे के साथ कैसे जोड़ना है। सबसे पहले तो हम इसको ऑफसेट कर लेते हैं,
और फिर कैलकुलेट करते हैं।